झिपिझिपि वर्षा पागो को जदि संध्यारे चा सहित किछि कुड़मुड़िया जलखिया मिल जाए ताहले खाइबार मजा द्विगुण हो जाए। आज मु आपण मानंकु मात्र अल्प केतटा आलू रे गोटे बहुत बढ़िया रेसीपी बनेकि देखेबी जोटा कि ऊपर ऊपर क्रिस्पी रहिबो आ भितरु नरम रहिबो। आ मु त कहिबी जेतेबेले आकु बनेबे टिके बेसिकि बनेइथिबे नहले आपणकु मिलिबनि सबु घर लोक खाई देइथिबे। तो चलंतु बेसी देरी करिबनि बनेबा आरंभ करिबा। जदि रेसीपी देखला परे भलो लागिबो वीडियो को लाइक करिबे चैनल को सब्सक्राइब करिबे आ जदि फेसबुक पेज रे देखुछन्ति सेठी भी फॉलो करिबे। ता छोड़ आपण मो रोसी को कोको जागा देखुछन्ति मते कमेंट करके जनेबे। नमस्कार, आनंद भोजन चैनल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत करछि। बहुत ही स्वादिया पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी भेज पकोड़ा बनेबा पई प्रथमे मु गैस ऑन करके गोटे फ्राई पैन रखि देबी। पैन रे देबी 2-3 चम्मच रिफाइन तेल। जेमिति तेल गरम हो जिवो प्रथमे इतिरे पकेबा गोटे मीडियम साइज रा रफली काटिके रखिथिबा प्याज। प्याज को तेल रे 2-3 मिनिट भाजिबा जेमिति प्याज अल्प नरम हो जिवो। ध्यान रखिबे गैस रो फ्लेम एटी मीडियम रहिबो। देखिबे जेमिति प्याज नरम हो आसलानी तापरे इतिरे पकेबा आधा चम्मच अदा रसुण बट्टा। ध्यान रखिबे अदा रसुण पेस्ट अल्प ही पड़िबो। अदा रसुण बट्टा पकेला परे आकु प्याज सहित चम्मच रे 30 सेकंड पई गोळेई दबा ताकि अल्प भाजी हि जिवो। एबी इतिरे किछि वेजिटेबल पकेबा। वेजिटेबल रे मु इतिरे फाळे कैप्सिकम पकेबी ता सहित गोटे मीडियम साइज रो गाजर को ग्रेट करिकि नेइछि बा कोरिकि रखिछि ताकु पकेबी। गाजर कैप्सिकम पकेला परे आकु 2-3 मिनट पई बिना कवर करके प्याज सहित भाजी नबा ताकि वेजिटेबल अल्प सॉफ्ट हो जिवो। मु एतिरे खाली गाजर और कैप्सिकम पकेछि। आपण चाहिले आहुरी विभिन्न प्रकार वेजिटेबल पके परिबे जेमिति कि बीन्स हला और बीटरूट हला। जेमिति देखिबे वेजिटेबल को पकेकि भाजिबा 3-4 मिनिट हो जिवो। एबी इतिरे चकुटिकि रखिथिबा सिझा आळू पकेबा। मु आगुरु 4-5टा मीडियम साइज रो सिझा आळू को सिझेकि त चोपा को छड़ेकि भलसे मैश करकि रखिथिली। आळू पकेला परे एबे इतिरे स्वाद अनुसार लुण पकेबा ता सहित गुंड मसला मध्ये पकेबा। गुंड मसला रे आधा चम्मच हळदी गुंड, आधा चम्मच राग लंका गुंड, राग एठी निजे टेस्ट अनुसार कम बेसी करिवे। ता सहित गोटे चम्मच धनिया गुंड पकेबा, आधा चम्मच जीरा गुंड पकेबा और लास्ट रे गोटे चम्मच गरम मसला। एबे सब को चम्मच रे भलसे गोळेकी लो फ्लेम रे 4-5 मिनिट पई आळू को कसिबा ताकि गुंड मसला और आळू भलसे कसी ही जिवो। मु ये मसला रे प्याज रसुण पकेजी। आपण चाहिले बिना प्याज रसुण रे खाली अदा को छेचिकी मध्ये बनि परिबे। एठी देखंतु आलू मसला भलसे भाजी ही गणानी आगोठरु केते सुखिला लागुजी एमिति सुखिला ही रखिबे। एबे गैस रो फ्लेम को ऑफ कर दबा आउ आकु एमिति फ्राई पैन रे ठंडा हबा को चढ़िबा। एबे चालंतु नेक्स्ट स्टेप को जिबा बा आर आउ किछि प्रिपरेशन करिबा। एठी देखंतु मु गोटे मिक्सिंग बाउल नहींची। एबे बाउल रे देबी गोटे गिना ब्रेड क्रम्स। घर को जो ब्रेड आसे मु सेतिरु 6-7 पीस भळिया ब्रेड को मिक्सी रे बुलेई दीची तो एमिति ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाइची। तो एबे ब्रेड क्रम्स रे आमे अल्प अल्प करिकि खीर मिसेबा पाखापाखी 3-4 चम्मच भळिया। खाली ब्रेड क्रम्स को एटी हल्का हल्का ओदा करिवार अछि। ध्यान रखिबे बेसी खीर एका सहित मिसेबेनि कि बेसी ओदा करिवेनि। एठी देखि पारुथबे प्रथमे मु अल्प खीर पकेकि गोळेली तापरे आउ अल्प पकेकि गोळेली। एठी ब्रेड क्रम्स हल्का हल्का ओदा हो जाइछि। एबे आमे एतिरे ठंडा हबा को छाडीथिबा आळू मसला को एतिरे पकेइ दबा। पकेला परे ता सहित एतिरे भेज पकोडा को आहुरी भितरु क्रिस्पी पई गोटे बड़ चम्मच कॉर्नफ्लोर पकेबा। आपण कॉर्नफ्लोर बदल रे गोटे चम्मच चाळो गुंड मध्ये पके परिबे। एबे सब को परिष्कार हाथ रे भलसे गोळेई दबा। एठी देखि पारुथबे मु भलसे गोळेई दीची। एबे आमे आकु सेप दबा ता आगुरु हाथ को पूर्णि थरे भलसे धोई दबा। धोइला परे हाथ रे अल्प तेल लगेकी ए आळू मसला को अल्प अल्प पोषण नेकी ताकु हाथ रे एमिति राउंड शेप दबा। देखि पारुथबे मु केमिति वीडियो रे देखौछि सेमति ही करिवे। मु एठी गोल शेप रे बनौछि। आपण निजे इच्छा अनुसार बड़ कि छोट जेमिति शेप रे बनै परिवे किंतु चेष्टा करिवे बेसी बड़ न करबाकू मीडियम बा छोट साइज रे रखिवे। एठी मु सेम प्रोसेस रे
सबुतक आलु बॉल्स को बनईदेवि इतिकी आलु मसलें पखापाखि 28 रु 29टा मीडियम सैज्र आलु बॉल्स रेडी आपण से अनुसार मसलार क्वांटिटी को कम बेसी करिवे एबी प्लेट को टिके साइड रखिदेबा आउ गोटे कॉर्नफ्लोर स्लरी बनेबा सेतिपई आउ गोटे बाउल रे 3 बड़ चम्मच कॉर्नफ्लोर नबा ता सहित 1/4 टीस्पून लुण पकेबा ता सहित अल्प टिके पानी देकी आर गोटे मीडियम थिक र स्लरी बनेबा एबी स्लरी को भी साइड रखिबा तापर देखंतु मु एठी आ गोटे बाउल लीजी एतिरे दबा बिना फ्लेवर रो प्लेन कॉर्नफ्लेक्स एबी कॉर्नफ्लेक्स को हमें हाथ रे अल्प अल्प गुंड कर दबा ध्यान रखिबे आको हाथ रे ही करिबे मिक्सी रो यूज करिबेनी एठी देखि पर्थबे हाथ रे अल्प गुंड हे जाईजी एबी हमें कौन करिबा ना आलू रो गोटे बॉल्स को नबा ताकु कॉर्नफ्लोर स्लरी रे भल से डीप करिकी बा बुड़ेकी चम्मच रे छाणी दबा तापर गुंड कॉर्नफ्लेक्स रे देकी हाथ रे प्रेस करी करिकी भल से कोट करिबा देखि पर्थबे मु कित्ते भल से कोट कर देईजी जदि आपण को इठी लागुथुब गोटे कोट रे भल से कोट होनी ताहले थरे कॉर्नफ्लेक्स रे कोट कला परे आउ थरे स्लरी रे डीप करिकी पूर्णी थरे कॉर्नफ्लेक्स रे कोट करि परिबे एमिती कले भेज पकोड़ा बाहरु आहुरी क्रिस्पी हबो इठी देखि पर्थबे मु गोटे को भल से कोट कर देजी सेम प्रोसेस रे सबुतक आलू बॉल्स को एमती स्लरी रे डीप करिकी कॉर्नफ्लेक्स रे कोट कर देबी देखिबे ए प्रोसेस करिबा को बहुत मजा लगिबो एठी देखि पर्थबे सबुतक को कोट करिकी प्लेट रे रखि देजी आ प्लेट पूरा फुल हे जाइजी एबी एमिती ही आकु 4 रु 5 मिनट पई छाडीबा तापर आकु नेकी तेल रे डीप फ्राई करिबा सेतिपई देखंतु मु एठी गोटे कड़ई रे सफिशिएंट रिफाइंड तेल को भल से गरम होबा को रखि देछि तेल एठी हाई फ्लेम रे बहुत भल से गरम हे छि एबे आमे बनई के रखितबा आलू बॉल्स रो प्लेट को नै जिबा आ गरम तेल रे गोटे गोटे पकई की छाणीबा ध्यान रखिबे कम तेल रे बेसी पकेबेनी तेल जति की दीथिबे से अनुसार देखि छाणीबे छाणीला बेले जेमिति डुबिला भलिया छाणी होतबो सेमिति ही छाणीबे प्रथम रु संगे संग चम्मच को मारिबेनी प्रथमे गोटे मिनिट पई हाई फ्लेम रे छाणी होबा को छाडीबे तापर फ्लेम को मीडियम करिकी चम्मच रे एपट सेपट करिकी गोल्डन कलर आसला पर्यंत छाणीबे तथापि गोटे भारी छाणी होबा को आपन को 6 रु 7 मिनिट निश्चित लागिबो ताहले ही भेज पकोडा पूरा ऊपर क्रिस्पी होबो आ भितरु हल्का नरम रहिबो एठी देखंतु गोटे भारी छाणी हे गलाणी केते सुंदर कलर भी आसी गलाणी एबे आकु तेलरु छाणी की प्लेट को बाहर कर दबा आ सेम प्रोसेस रे बाकी सब को भी छाणी की प्लेट को बाहर कर दबा एबे नियंतु रेडी हे गला पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी कुड़मुड़िया भेज पकोड़ा आशा करू छी हाजिर ए रेसिपी आपन को भलो लागितिबो जदि भलो लागिला वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ जदि फेसबुक पेज रे देखु छंदी सेटी भी फॉलो करंतु आउ आपण मो रोसी को जगह देखु छंदी सेडा भी मते कमेंट करिकी जणांतु आज पई एतिकी बहुत शीघ्र पूर्णी आसीबी गोटे नुवा रोसी सहित से पर्यंत रहू छी धन्यवाद।